बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई, आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ सिंपल सी और बहुत ही आसान से सैलड डेकोरेटिंग लेकर आई हूँ। जो कि मैं मतलब सैलड बना रही थी, डेकोरेटिंग कर रही थी उसकी, तो मैंने सोचा छोटी सी एक वीडियो बना लेते हैं ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। बहुत सारे लोगों को मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेटिंग आती होगी, लेकिन एक जज्बा बढ़ जाता है इंसान का, कहीं से अप्रिशिएट हो जाता है। तो बस इस उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रही हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अपनी छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, मैंने कहीं से कोई डेकोरेटिंग वगैरह सीखी नहीं है, सिंपल सा ही मेरा एक शौक है किचन का, कुकिंग का, तो बस उसमें मैं ये सब करती रहती हूँ। तो ये देखेंगे, कुछ सैलेड का ही सामान है, खीरे हैं, सैलेड के पत्ते हैं। असल में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे सलाद के पत्ते, जो हैं ज़रा ख़राब हो रहे हैं। तो गाजरें हैं, अभी नई नई आनी शुरू हुई हैं, सीज़न नहीं है इतना ज़्यादा, तो अभी शुरू हुई हैं गाजरें आना ना। तो ये मूली है, बहुत पतली सी मिली है, और ये खीरे आप लोग देख रहे हैं इस तरह की कटिंग किए हुए। तो ये मैंने अभी जो ना क्या कहते हैं टाइम की कमी की वजह से, तो मैंने ये इसकी मदद से जो ना क्या कहते हैं ये खीरे जो ना कटिंग कर रहे हैं। एक ये कटर है मेरे पास, तो इससे मैंने कटिंग कर ली। और ये जो हमारे वेस्ट हुए हैं, जो छिलके आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो ये वेस्ट नहीं है, इससे भी हम डेकोरेटिंग करेंगे अपनी बड़ी खूबसूरत सी। और इससे हम जब खीरे कटिंग करेंगे तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं काट लूँगी और सिंपल जो होंगी वो मैं काट लूँगी, और जो मतलब मुश्किल होंगी तो मैं आपको बताऊँगी। ये देखें, ये खीरे मैंने इस तरीक़े से कटिंग करें, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ खीरे का। ये देखें, मेरी छुरी आप लोग देख के इग्नोर करिएगा, क्योंकि छुरी मेरी ये जो ना मुझे आदत ही इसी छुरी की है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी छुरी से काम करती हूँ। देखें, एक सिंपल खीरा है, और जो है क्या कहते हैं हमें क्या करना है, हमें जो है ना इस तरीक़े से हमने ये काट लिया है खीरा, ये देखें। और एक इसी तरह से हम पीस काट लेंगे, ये देखें, ये वाला पीस हटा देते हैं, इन पीसों को हम यूँ करके रख देते हैं। तो ये हमारे, ये देखें इस तरीक़े से, ये हमारी है, ये जो मैंने तरीक़ा आपको दिखाया था, तो ये तरीक़ा हमारा तैयार हो गया, ये वाला इस तरीके से तैयार हो गया। इसी तरीके जो ये हमारा पहले वाला जो हिस्सा है, इसको हम इसी तरीक़े से रख देंगे और ये हमारा आ जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा। बहुत सारे तरीक़े हैं, ये देखें दिल का शेप आ गया, नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखें दिल का शेप आ गया। तो इस तरीक़े से हम मुख्तलिफ़ खीरों की कटिंग करेंगे। ये दो तीन तरीक़ा, दो तरीक़े मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीक़े से हम ये शेप बना रहे हैं, पत्ता स्टाइल का और ये दिल स्टाइल का शेप है। थोड़ी सी हल्की सी कटिंग कर देते हैं यहाँ से, तो हमारा पूरा दिल का एक शेप आ जाएगा। और बाकी ये जो इस तरीक़े से खीरे कटिंग करें हैं, ये भी मैं आपको तरीक़ा दिखा देती हूँ। ये समझिए ये एक्स्ट्रा मेरा खीरा है, तो ये मेरे पास जो कटर है, तो इसकी मदद से ना मैंने इस तरीक़े से कटिंग करें, ये देखें। तो ये खीरा भी हमारा बेकार नहीं हुआ, जब हम इसकी खीरे की देखें इस तरीक़े से कटिंग करेंगे ना, तो बड़ा खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बनेगा फ्लावर का, ये देखें। चलिए देखें, ये हमारी कटिंग हो रही है साथ साथ इसमें। तो इस तरीक़े से मैंने आपको दिखाया था ना कि फ्लावर जैसे खीरे बन जाएंगे, इसी तरीके से देखें गाजर कितनी प्यारी सी कटिंग हो गई है, क्योंकि गाजर का भी मैंने इस तरीके से कटर की मदद से निकाल लिया है। इधर ये देखें, मैंने सैलेड के पत्ते जो है ना क्या कहते हैं, एक ट्रे है मेरे पास वाइट कलर की, उसमें मैंने इस तरह सैलेड के पत्ते ना बिछा लिए हैं, और इनकी अभी सेटिंग करूँगी तो आपको दिखाती जाऊँगी साथ साथ। असल में बहुत ज़्यादा ख़राब निकले हैं ये सैलेड के पत्ते, तो इसमें से बहुत मुश्किलों से मुझे सेटिंग करनी पड़ी है, तो अभी मुझे और भी सैलेड बनाना है इसमें जो है ना क्या कहते हैं। चलो ये देखें, ये सब कटिंग हो गया, अभी जैसे टमाटर का फ्लावर बनाना है इसके छिलकों से। तो ये देखें, एक मैंने टमाटर ले लिया, और ये मेरी ज़रा छुरी तेज़ है, तो इसी की मदद से हम हल्के हल्के बारीक से छिलका उतारते जाएंगे इस तरीके से। देखें इतना बड़ा ये छिलका निकल गया, इसी तरीके से इसको हम रोल करते जाएंगे इस तरीके से, और बड़ी ज़बरदस्ती कली टाइप की फ्लावर टाइप का ना रोज़ फ्लावर, ये देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया, नज़र आ रहा है आप लोगों को। और अगर हम इसके साथ ये इस तरह कर दें तो देखें कितने ज़बरदस्त इसके पत्तों का लुक आता है। ये देखें, मैंने चंद पुदीने के पत्ते ना इस तरह पानी में भिगो दिए हैं, तो ये पत्ते भी हमारे जब हम ये फ्लावर रखते हैं तो इस तरीके से हमारा सेट करने के काम आते हैं। तो अब बस सेटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। इधर ये देखें, ये ट्रे में मैंने आपको दिखाए थे सैलेड के पत्ते मैंने सजा दिए थे, और ये जो इस तरीक़े से मैंने ये खीरे के काटे हैं शेप, तो इस तरीक़े से हम इनको सेट कर देंगे। और ये देखें, ये सैलेड में डेकोरेट करती जा रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से करा है ये आपको। मैंने फ्लावर इस तरीके से दिल का शेप बनाना बताया था, टमाटर का फ्लावर बना के मैंने इसके अंदर क्या करा, टूथपिक लगा दी, हमारे यहाँ प्लास्टिक वाली टूथपिक है, इस वजह से मैंने ये टूथपिक ये वाली सेट कर दी है इसके ऊपर, हालांकि बहुत मुश्किलों से सेट हुई है। ये देखें, पुदीने के पत्ते मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं कि ये हमारे ना पत्तों का शेप दे रहे हैं ऐसे फ्लावर के ना,
साथ मैंने प्याज रख दिए। और मैंने बताया भी था आपको कि बहुत सिंपल तरीक़े से बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा वो नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी कटिंग मुझे नहीं आती, बस जितनी आती है तो उसकी मदद से मैंने ये करने की कोशिश करी है। तो मुझे उम्मीद है कि देखें ये पसंद आएगा ना आपको इस तरीक़े से। अभी एक दो और हैं, वो भी मैं मतलब बना रही हूँ, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। जो कटिंग का थोड़ा सा तरीक़ा था वो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा ये देखें, हम इन पत्तों को ना मुकम्मल वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मतलब इस तरीके से हम सेट तो नहीं कर सकते ज़रा ज़रा से गले में, लेकिन जो इसमें सही पीसेज है ना, हम थोड़े थोड़े से जैसे छोटे छोटे से पीसेज हैं ये सही हैं, तो इनको निकाल के और हम इसकी ना इस तरीक़े से कटिंग करेंगे जैसे कि हम सब्ज़ी वगैरह को नॉर्मली काटते ना, ये जैसे ये देखें इस तरीके से सारी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो ना कि कहते हैं सैलेड की डेकोरेटिंग, आपको ये मैं गाजर का डिज़ाइन दिखाऊं, ये कुछ इस तरीक़े से मैंने बनाया है। ये देखें, मैंने गाजर एक पीस ले लिया, सिंपल गाजर को छीला, उसके गोल गोल पीस काटे। अब ये देखें ज़रा सा हम ये करेंगे और एक इस तरीक़े से यूँ करेंगे, ट्राइंगल सा हमारा बन जाएगा। ये देखें इसी तरीक़े से ये थोड़े थोड़े मतलब जगह छोड़ के ना इस तरह कट लगाते जाएँ, ये ज़बरदस्त सा ये फ्लावर जैसा तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखें कितने ज़बरदस्त से फ्लावर तैयार हुए हैं। तो हम इस ये सैलेड के पत्ते जो हैं हमारे, हम इनके ऊपर रख के इनको सेट कर देंगे ताकि ये हमारे खूबसूरत लगे इस तरीके से ना। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलें ये देखें भाई, हमारी लाइट चली गई है और अब हम किचन से बाहर आ गए हैं, तो ये हम यहाँ पर रख के जो ना क्या कहते हैं आखिरी जो ना क्या कहते हैं आपको दिखा रहे हैं। ये सैलेड हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, ये मैंने इस तरह फ्लावर रखे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी जिसे अब आप लोगों को जो ना क्या कहते हैं बताना है कि मैंने किस तरीक़े से मेहनत करी है। तो अब ये आप लोग, अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो फिर मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, छोटी सी मेरी कोशिश थी। तो बस मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा इस तरीके का तरीका, बहुत ही सिंपल और आसान। घर की छुरियों से कोई मतलब परेशानी नहीं है, बस एक शौक़ होना चाहिए थोड़ा सा। तो बस इस तरीक़े से मैंने सैलेड रेडी कर लिया है। तो बस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ या ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।